कि अब जैसे यूनिवर्सिटी में मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ता हूँ, तो होता ही है कि जो जॉब होल्डर्स होते हैं उनका फिर कंपटीशन इतना नहीं रहता कि अब मैं थोड़ा सा भी पढ़ लूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। हालांकि दूसरे स्टूडेंट्स में ऐसे काफ़ी ब्रिलियंट होंगे और काफ़ी ज़्यादा यानी वो एडवांस कर रहे होंगे, काफ़ी उनके अच्छा नंबर भी आ रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने यानी थोड़ा सा भी करके मुझे ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कर लिया। तो यानी मेरे मेरा पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा कि जैसे क्लासरूम में आपको पता होता है कि ज़्यादा पढ़ने वाला कौन सा है और मैं किस लेवल पे लाई करता हूँ, लेकिन एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या फिर ऑनलाइन स्टडी में आपको ये ट्रैक नहीं रहता कि कौन सा बच्चा यानी प्रोग्रेस कितनी है आपकी, मतलब कि आप बाकी एक्सीलेंट हैं कि आप खुद ही समझ रहे हैं। तो इस चीज़ में भी काफ़ी डिप्रेशन टाइप एक चीज़ आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है कि एम आई गुड इनफ या फिर तो मैं क्लास ऐसा की क्यों। कम्युनिटीज नहीं होती, कोई फेसबुक ग्रुप वगैरह, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता? वो इतना इंटरेक्टिव नहीं होता, उसमें राइट सिंपल को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है। तो इन लोगों से मिलो, इन लोगों से मिलो, इनसे पूछो। अगर तुम थर्ड सेमेस्टर में हो, थर्ड सेमेस्टर वाले किसी से दोस्ती कर लो यहाँ पे और इनसे पूछ लो कि वो क्या करते हैं, वेयर डू दे स्टैंड, उनकी यूनिवर्सिटी में कौन सी एक्सरसाइजेस आ रही है या कौन से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जो वो सॉल्व करें, और तुम कहाँ पे सॉल्व करो, तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, अपनी क्लास से कम्पीट करने का क्या फायदा, इवेंचुअली जॉब मार्केट में तो सबसे ही करना है ना। और आगे जाके जैसे ही जॉब मार्केट में एक बार पाकिस्तान में कहीं जॉब मिल गई, तो फिर तुमने तो ग्लोबल टैलेंट से कम्पीट करना है। हमारा जो टैलेंट है यहाँ का, जैसे कोजन लाइन से जो लोग काम करते हैं, उन्हें तो ग्लोबली कम्पीट करना है ना, क्योंकि हमने तो ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी से भी कम्पीट करना है, हमने यूएस की कंपनी से भी कम्पीट करना है इंजीनियरिंग में। तो होराइजन बढ़ाओ अपना, ठीक है, मतलब वो अपना डोंट लिमिट योर सेल्फ टू योर क्लास, ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग हैं, बड़े जबरदस्त लोग हैं, इनसे मिलो, इनसे आज ही दोस्त बना लो तीन चार।